Hey guys, welcome back to the new video. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑरा पावर से रिलेटेड काफी सारी चीजों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग। चलो यार, मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम अभी ऐसे दो करेक्टर का नाम बताओ पोकेमॉन एनिमे के अंदर जो कि ऑरा पावर को अभी करेंटली रखते हैं अपने पास। मैं सर एरॉन की बात नहीं कर रहा क्योंकि सर एरॉन जो है वो टपक चुके हैं। अब बताओ दो ऐसे करेक्टर और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ऑरा पावर से जुड़े आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग ये भी कि ऐश के पास ऑरा पावर आया कैसे। क्योंकि तुम सबको पता होगा कि ऑरा पावर जो है एक स्पेशल क्लैन से इनहेरिट होकर आया। अगर तुम्हें वो भी नहीं पता तो कोई नहीं, एज आई सेड कि तुम्हें इस वीडियो के दौरान सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर ऑरा पावर काफ़ी पुराने समय से एग्जिस्ट करता आ रहा है। अगर तुमने ऑरा पावर की सबसे पहली अपीयरेंस शायद से पोकेमॉन म्यू एंड द लुकारियो ऑफ मिस्ट्री एंड द म्यू करके कोई मूवी है उसके अंदर हुई थी, ठीक है। अब देखो, ऐसा माना जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर कि सब चीज़ के अपने ऑरा है और सारी चीज़ के अंदर अपनी अपनी ऑरा होती है जो कि तुम सेंस कर सकते हो। पोकेमॉन वर्ल्ड जब बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम पे था तब एक स्पेशल ग्रुप आया था जो कि अपने अंदर ऑरा पावर को रखता था। ये ऑरा ग्रुप एक स्पेशल क्लैन बनाती थी जो कि आगे चल चल कर अपने प्रेडिसेसर मतलब जो उनके बाद जो नए ऑरा गार्डियन बनेंगी उनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सिखाती थी। बट समय के साथ साथ वो सारे डिसअपियर हो गए और किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को सिर्फ दो ही ऑरा गार्डियन के बारे में जानने मिला है जिसके बारे में तुम्हें आगे बताऊँगा, इंक्लूडिंग सर एरॉन एंड दूसरा कौन था। और करेंटली अभी सिर्फ दो लोग के पास ही ऑरा पावर है, फर्स्ट में आता है ऐश और सेकंड में आता है रायली। काफ़ी लोग को रायली के बारे में नहीं पता होगा कि रायली कौन है और कहां से आया है, तो कोई नहीं, उसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे चलते चलते बात भी करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एबिलिटीज़ जो कि तुम्हें ऑरा पावर से देखने मिलती है। सबसे पहली पावर तो ऑरा से ये होती है कि तुम काफ़ी सी चीज़ों को सेंस कर सकते हो, ये तो काफ़ी बेसिक पावर है। बट शायद से तुम्हें से काफ़ी कम लोग को पता होगा कि ऑरा पावर से तुम ये भी कर सकते हो कि अपनी लाइफ फोर्स को कम करके तुम दूसरे को लाइफ फोर्स दे सकते हो। थर्ड एंड मुझे सबसे कमाल की चीज़ लगी, तुम फ्लावर टाइम फ्लावर एक स्पेशल फ्लावर है होएन रीजन के अंदर जिसको तुम एक्सेस कर सकते हो और उसके थ्रू तुम काफ़ी सारी चीज़ों को पता लगा सकते हो जो कि उस टाइम में हुआ था। एक स्पेशल वाइब्रेशन जिसके कारण तुम ये पता लगा सकते हो जिसको तुम ढूंढना चाह रहे हो, अगर खो गया तो तुम वो भी ऑरा के थ्रू पता लगा सकते हो। इवन तुम चाहो तो अपने ऑरा एनर्जी पे जो अटैक होने वाले हैं उसको भी तुम रोक सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारे पावर जो कि तुम ऑरा के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बट ये तो बात होगी पावर्स की, तो ऑफकोर्स पावर्स के साथ कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं तो उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मेजर डिमेरिट्स क्या क्या थे, तुम सबको पता होगा कि सर एरॉन ने अपने पावर का यूज़ किया था म्यू को बचाने के लिए। एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि अपनी लाइफ फोर्स कम करनी पड़ती है अगर तुम्हें दूसरे को लाइफ फोर्स देना है, दैट्स वाई सर एरॉन मर गए एंड होपफुली ऐश भी मर जाता अगर लुकारी उसको नहीं बचाता। इवन पोकेमॉन के अंदर हम लोग को दो बार ईवल ऐश देखने मिला है, एक बार सिनो में एक बार अकालोस में। ईवल ऐश तब बनते हैं जब मतलब अगर कोई ऑरा गार्डियन जो है अगर वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आता है तब उसके जो ऑरा होता है ना उसके जो चारों ओर सराउंड करता है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो वही तुमको ईवल ऐश के अंदर रेड ऑरा देखने मिलता होगा। इवन पोकेमॉन वर्ल्ड में ये कहा गया है कि जब एक बंदे का ऑरा दूसरे बंदे के ऑरा से एकदम कनेक्ट हो जाता है उसके कारण दूसरा वाला जो उनका पोकेमॉन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मे बी इसी कारण हम लोग को ग्रेंजा फिनोमेना देखने मिला हो, आई डोंट नो, ये बस एक थ्योरी है तो उसको एकदम सच मत मान लेना। इवन बॉनी ने कालोस रीजन में ये चीज़ कहा था कि जब वो ऑरा फिनोमेना करते हैं ना, बॉन्ड फिनोमेना सॉरी, तो उसको थोड़ा जर्क महसूस होता है मतलब झटका। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से दो ऐसे ऑरा गार्डियन थे एंड क्या उनकी बेसिक बैक स्टोरी थी। सबसे पहला ऑरा गार्डियन था अपना सर एरॉन एंड दूसरा ऑरा गार्डियन बस ऑरा गार्डियन, उसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है ऑफकोर्स। अगर तुम्हें जानना है इस ऑरा गार्डियन के बारे में तो देखो, सिनो रीजन के अंदर एक बार स्पिरिटोम करके कुछ एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों को ये ऑरा गार्डियन के बारे में बताया गया था एंड मैं बिल्कुल स्पॉइलर नहीं दे रहा, तुम वो एपिसोड में इसके बारे में जान सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रायली के बारे में जो कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये कौन थे। जैसे तुम्हें पता होगा कि सर एरॉन के बारे में तो डेफिनेटली रायली जो है उसका प्रेडिसेसर है, मतलब सर एरॉन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो मरते वक्त जैसे कोई भी ऑरा गार्डियन अगर जा रहा होता है तो वो अपनी लेगेसी अपने दूसरे पे पास डाउन कर देता है, तो वही अभी रायली भी है। रायली भले सर एरॉन जैसा दिखता है बट वो एक्चुअली सर एरॉन नहीं है, दोनों के पास ही लुकारियो एंड दोनों ही इक्वली पावरफुल है। ऑफकोर्स दोनों ने लेगेसी एक की फॉलो की है। अब बात करें अगर ऐश केचम की, उसके पास ऑरा पावर कहाँ से आई, क्योंकि ऑरा पावर आसमान से टपक कर नहीं आती, तो मैं ऑफकोर्स एक क्लैन का मेंबर होना चाहिए। काफ़ी लोग कहेंगे ऑरा गार्डियन सर एरॉन और दूसरे, मुझे लगता है कि ये वाला ऑरा गार्डियन ज़्यादा बेटर रहेगा।
देखो यार, तुम सबको पता है कि ऐश जो है ना, ऐश के पास ऑरा गार्डियन पावर आई है। ये सबको पता है, ऑरा गार्डियन पावर हवा से नहीं आती, तुम्हें क्लैन में ही होना पड़ता है, जो कि पास डाउन होता है जनरेशन वाइज। मेरा ऐसा मानना है कि प्रोबेबली ऐश केचम इसका प्रेडिसेसर है, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया अननोन ऑरा गार्डियन का। सो मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ साथ जैसे सैर अरॉन की लेगेसी जो है वो रायली में पास डाउन हुई, वैसे ही समय के साथ साथ ऐश केचम की फैमिली में उसकी ये वाली लेगेसी भी पास डाउन हुई। ऑफकोर्स काफ़ी लंबा टाइम गैप है, अराउंड लाइक 500 ईयर्स। तो उससे पहले भी ऐश के काफ़ी सारे जो प्रेडिसेसर हैं, लाइक उसके फादर ग्रैंडफादर, उनके अंदर भी ये गुण आए होंगे, आई डोंट नो यार। ये बस एक थ्योरी थी जो कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। काफ़ी लोग ऐसा मानने कि ऐश के अंदर ऑरा पावर कहाँ से आया, तो हियर इट इज। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा, एंड बाकी की वीडियोस भी चेक करो इस चैनल की, तुम्हें और ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने मिलेंगे। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर पोकेमॉन वीडियोस। मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।